हेलो दोस्तों, सीएनसी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रोइंग के ऊपर, कि हम सीएनसी में ग्रोइंग कैसे करते हैं। कुछ मेरे प्यारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप सीएनसी के प्रोग्रामिंग, जो ग्रोइंग का प्रोग्राम है, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं वो उन्हीं लोगों के लिए लेके आया हूँ जो सीएनसी में ग्रोइंग करना सीखना चाहते हैं। अब इसमें मैं आपको प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा और आपको वो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भी। अगर आप सीएनसी ग्रोइंग का प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सीखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जिन दोस्तों ने रिक्वेस्ट भेजी है वो इजहार जी हैं, उन्होंने भेजी है। वसीम अंसारी है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी है। दीपक प्रजापति हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी है। और ये एक और इजहार जी की है जो उन्होंने थोड़े टाइम पहले, वीक पहले रिक्वेस्ट भेजी थी। दोस्तों, ऐसी हमारे पास और भी रिक्वेस्ट हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने की हैं, तो आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। आप मेरे वीडियो को देखते हो और अपने स्किल्स को डेवलप करते हो। और दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो हमने नहीं बनाई है या हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे वीडियो को नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन, सबसे पहले जब भी आप ग्रोइंग का प्रोग्राम बनाओगे, सबसे पहले आपको दोस्तों ग्रोइंग का इंटरेस्ट टूल देखना पड़ेगा, इंसर्ट देखनी पड़ेगी कि आप कैसी करना चाहते हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आप ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे कि ग्रोवी का जो ऑपरेशन है वो आपको इंटरनल के लिए करना है या एक्सटर्नल के लिए। अगर आपको एक्सटर्नल करनी है, जैसे ओडी पे ग्रो काटना है, यहाँ पे ओडी पे, इस वाली ओडी पे या इस ओडी पे, तो इसके लिए आप टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सही टूल को और सही इंसर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस टाइप से, जैसे यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें बहुत कम है, इसमें इंसर्ट के सेट से लेके टूल तक का डिस्टेंस बहुत कम ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइप के दो टूल यूज होते हैं दोस्तों, जिनमें ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं, पार्टिंग करने के लिए। ये ज़्यादातर पार्टिंग में यूज होते हैं, ये दोनों टाइप के टूल ज़्यादातर ग्रोविंग में यूज होते हैं। सबसे पहले आपको आपकी एप्लीकेशंस के हिसाब से इसको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इंसर्ट अलग अलग साइज में भी आती है। जैसे ये सपोज करो कि 3 mm की इंसर्ट है, ये 2 mm की इंसर्ट है, ये इससे भी कम की है, तो आपको ये देखना है कि आपके ग्रो का डाया विड्थ कितनी है और आपको कितने की। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की विड्थ ही 2 mm मांगी है, तो आप इसके अंदर 3 mm की इंसर्ट यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके लिए इंसर्ट का सिलेक्शन एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सटर्नल ग्रोइंग टूल्स के मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, उसके बाद मैं आपको इंटरनल ग्रोइंग के भी कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। इसमें भी सेम ऐसे ही केस है दोस्तों, आपको बोरिंग बार सेलेक्ट करनी है, आपको ये डिस्टेंस यहाँ से इंसर्ट के इस से लेके और बोरिंग बार तक का डिस्टेंस आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितना रखना चाहते हो, ग्रो की डेप्थ कितनी दे रखी है और ग्रो की विड्थ कितनी है। ग्रो की विड्थ के हिसाब से आपको इंसर्ट की विड्थ जो यहाँ से यहाँ तक होती है उसका सिलेक्शन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको टूल सिलेक्ट करना है, इंसर्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रोग्राम पे चलते हैं। अब ग्रोविंग का प्रोग्राम कैसे बनाना है, उसके लिए देखिए ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हमें तीन ये ग्रो हैं जो हमें ये बनाने हैं। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 40 है, ये 60 डिस्टेंस है। और जो ग्रोविंग की सब सारे के सारे ग्रोविंग के जो विड्थ बनानी है वो हमें कितनी बनानी है दोस्तों, 10 mm। ये 10 mm की विड्थ हमें बनानी है। हमारे पास टूल कितने का है दोस्तों, 3 mm का। हम 3 mm की इंसर्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस इंसर्ट के थ्रू हम इसका प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस में,
इस केस में हम प्रोग्राम नंबर देंगे और 11111 कोई भी प्रोग्राम नंबर दे लीजिए जो आपके कंपोनेंट का नंबर है N1। उसके बाद होम पोजीशन पे लेके जाएंगे मशीन को, उसके बाद टूल देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम रफ़ ग्रू करेंगे। रफ़ ग्रू क्या होता है दोस्तों, हम इसके अंदर दो टूल भी यूज कर सकते हैं और एक टूल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम एक टूल यूज करेंगे, एक इसे रफ़ करेंगे, एक इसे फिनिश करेंगे, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि आपकी इंसर्ट वियर ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। वी इंसर्ट बार बार चेंज करनी पड़ेगी, आपकी फिनिशिंग बेटर नहीं आएगी ग्रू पे। तो आप इसमें दो इंसर्ट यूज़ कीजिए, एक रफ़ के लिए और दूसरी आपकी फाइनल के लिए जो आपकी फिनिशिंग का ऑपरेशन करेगी, ताकि फिनिशिंग आपकी बेटर आए और आपकी रफनेस ना आए ग्रू के ऊपर। तो सबसे पहले रफ़ का प्रोग्राम कैसे बनाना है, मैंने RPM 500 लिए हैं, M03 में रोटेट किया है क्लॉकवाइज स्पिंडल को, और उसके बाद G0Z 1.0 और M08। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हम हमेशा CNC के केस में यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का ऑफसेट जीरो करवाते हैं। मशीन को यहाँ पे लाते हैं, टूल को, इस टूल को यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे टच करवा के एक्स की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो ये मशीन में रीड करवा देंगे। अब जो ये लाइन डाल लिया मैंने, इसका मतलब क्या है कि ये RPM पे मशीन घूमना स्टार्ट हो चुकी है और हम इस टूल को ले आगे, इस टूल सेलेक्ट हमने कर लिया था और यहाँ पे 1 mm के डिस्टेंस पे खड़ा कर लेते हैं। तो 1 mm के डिस्टेंस पे ये क्या करेगा दोस्तों, ये यहाँ से डायरेक्ट अपने होम पोजिशन से नीचे आएगा जेड में पॉइंट वन तक ये अपनी एक्सिस पे, जो भी इसकी एक्स की वैल्यू है, क्योंकि अभी हमने एक्स की वैल्यू दी नहीं है, तो ये एक्स में ऊपर आएगा। ये ख्याल रखिए आप, ये एक्स में ऊपर आएगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा अगर हम इसमें एक्स की वैल्यू भी इसके साथ में देते हैं तो। अब इसमें एक्स हमने 82 दे दिया, अब ये जेड में 1 पे है और एक्स में 82 पे है, मतलब ये 80 है तो ये 82 पे है यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों हमें कट का ध्यान रखना है। सबसे पहले बहुत से लोग इसके कट में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ से कट देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये 20 की लेंथ है तो वो क्या करते हैं कि ऑफसेट का जीरो यहाँ से लिया है, लेकिन वो यहाँ से -20 पे वैल्यू डाल देंगे। -20 पे वैल्यू से क्या होगा कि इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 mm इस साइड में काट देगा, ये जिसकी वजह से जो इसकी लेंथ है वो 17 mm बन जाएगी, 20 mm की जगह पे पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा इस टाइप के ग्रूविंग के केस में यहाँ से लेके इसको जो पीछे वाली साइड है सबसे पहले वहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से लेंथ कितनी है, 20 और 10 30 है, तो मैं क्या करता हूँ 3 mm ऑफसेट मैंने यहाँ पे 0 0 ले रखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 29.5 माइनस में लेके जाता हूँ जेड में और एक्स 82 पे ही इसको पोजीशन करवाता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि हमने इसमें फिनिशिंग के लिए 0.5 मेटल छोड़ दिया है, आप कम भी छोड़ सकते हैं इंसर्ट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब दोस्तों हमने क्या किया, जेड 29.5 पे हमने मशीन को खड़ा किया और उसके बाद हम कट लेंगे। अब इसके इस केस में हमने क्या किया दोस्तों, इस टाइप से हमने सबसे पहले हम क्या किया, टूल को वहाँ से ऑफसेट के थ्रू यहाँ तक लेके आए और अब हमें ऐसे नीचे की डायरेक्शन में काटना है। वो काटना कहाँ तक है, यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा मार्जिन छोड़ देना फिनिशिंग के लिए। तो अब क्या करता हूँ मैंने दोस्तों, G01 दे दिया मैंने, एक्स जेड की वैल्यू मैं पहले ही दे चुका था, अब एक्स की वैल्यू 60.5 क्योंकि 60 ये है और 0.5 मैंने ऊपर डिस्टेंस छोड़ दिया इस पे ताकि ये फिनिश में साफ हो सके, और यहाँ पे फीड 0.05 की मैंने इसमें फीड डाल दी है। तो इस टाइप से दोस्तों एक्स 60.5 ये इस डिस्टेंस पे हमारा सबसे पहले कटिंग करेगा ये। उसके बाद दोस्तों हम G0X81 पे एक्स में इसको ऊपर उठाएंगे, यहाँ से हम 81 पे ऊपर उठाया, फिर टूल यहाँ तक चला जाएगा, फिर दोबारा से पोजिशन करवाएंगे, 29.6 में से 3 घटाएंगे तो 26.5 पे पोजिशन ले गए, 26.5 पे फिर दोबारा से काटेंगे इसको और इसी टाइप से दोबारा से फिर उठाएंगे और लास्ट कट फिर लेंगे दोस्तों, क्योंकि देखो हमारा जो ये हमने इंसर्ट ली थी वो कितने की ली थी, 3 mm की,
हमारा डिस्टेंस कितना है 10 mm, तो हम 0.5 एक साइड में छोड़ देते हैं, 0.5 दूसरी साइड में, और फिर भी हमारा 9 mm बच जाता है। 9 mm में हमें तीन तीन mm के तीन कट लेने हैं इंसर्ट के। तो पहला हमने 29.5 पे लिया, दूसरा हमने 26.5 पे लिया, और तीसरा हमने 23.5 पे लेंगे। 23.5 पे कट लेने के बाद दोस्तों हम एक्स एक्स का डिस्टेंस हमेशा वही रखेंगे, एक्स की वैल्यू मूव नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स में हमें फिनिशिंग के लिए 0.5 मेटल छोड़ के इस पॉइंट तक आ जाना है, यहाँ तक हमें कटिंग कर देनी है। उसके बाद दोस्तों अब फिर ऊपर जाएं, एक्स में ऊपर जाएंगे, और सेकंड टूल के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स जेड की पोजीशन देंगे, क्योंकि हमें यहाँ लेके आना है, फिर ये इस टाइप से नीचे लेके जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पोजीशन सबसे पहले पोजीशन करवाएंगे किस में, वही जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, 40 और प्लस के 10 कितना होगा 50, 50 माइनस के 0.5 कर दो तो 49.5 पे पहला कट देंगे। अब उसके बाद वही एक्स में हम 60.5 तक लेके जाएंगे, फिर एक्स में ऊपर लेके जाएंगे, फिर दोबारा से फिर पोजीशन देंगे 49.5 माइनस के 3 mm, और ये कितना आ जाएगा 46.5। तो फिर इसको कटिंग करेंगे और इसको फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब ये कटिंग करते हो तो यहाँ पे हमेशा फीड कम रखिए, और जब ये ऊपर जा रहा है आपका टूल तो यहाँ पे बेस से आप इसको रैपिड में उठा सकते हैं, उसकी कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर 43 आ गया दोस्तों, अब यहाँ से लेके हमने यहाँ पे 43 के डिस्टेंस पे लास्ट कट दिया इसको 43.5। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होगा, फिर कटिंग करेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। अब हम लास्ट के लिए चलेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट में हम किस टाइप से कटिंग करेंगे, उसमें भी यही सिस्टम रखेंगे हम, 81 के डिस्टेंस पे ऊपर से लेके जाएंगे और जेड की पोजीशन करवाएंगे। जेड की पोजीशन कितनी होगी दोस्तों, 60 और 10 70, 70 माइनस के 0.5 फिनिश के लिए जो हमने छोड़ा है, उसके बाद कितना बचेगा 69.5, तो ये 69.5 आ जाएगा, 69.5 एक्स में डिस्टेंस वही रखेंगे, और फिर इसी टाइप से कट करवाएंगे नेक्स्ट 66.5। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कट देंगे, लास्ट कट 63.5 पे, और उसके बाद हवा में उठाएंगे, होम पोजीशन पे लेके जाएंगे मशीन को M01, और इस प्रोग्राम को ऑप्शनल स्टॉप के थ्रू बंद कर देंगे। अब दोस्तों इसमें आपने देखा कि हमने रफिंग का प्रोग्राम बना लिया है, N1 तक हमने रफिंग का प्रोग्राम बना चुके हैं, अब हम N2 पे आ जाते हैं, और N2 पे हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे फिनिश का। फिनिश के प्रोग्राम बनाने के लिए मैं दोस्तों आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि फिनिशिंग में हम इस पे चैम्फर भी लगाएंगे, ताकि बर ना रहे, बर रिमूविंग चैम्फर हम इसके हर एक एज पे लगाएंगे। तो देखिए उसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं फिनिशिंग में दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, फिनिश का ग्रूविंग टूल सेलेक्ट करेंगे, T02 से सिलेक्ट किया, स्पिंडल को रोटेट किया M03 में, और यहाँ पे जेड में 1.0 पे लेके आए, और एक्स में 80.5 के डिस्टेंस पे हम इसको मशीन को लेके गए। अब दोस्तों इस टाइप से हमारी ये वैल्यूज़ हैं, अब ध्यान से देखिए, इस टाइप से आपको चैम्फर लगानी है, जैसे कि ये ABCDEFGHIJKL, तो इस टाइप से आपको चैम्फर लगाने हैं। आप पिछली इमेज में और इस इमेज में फ़र्क देख सकते हैं, इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कि उसमें हमें मैंने थोड़ा ये जूम करके दिखाया, इसमें ज़्यादा बड़ा करके दिखाया, ताकि आप समझ सकें। वैसे तो ये चैम्फर बहुत कम लगता है, सिर्फ बर रिमूव करने के लिए लगता है, और वही हम लगाएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चैम्फर कैसा हो, कैसा लगाना है, और 45 डिग्री के एंगल पे हम चैम्फर लगाएंगे, तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने इसको थोड़ा बड़ा चैम्फर लगाया है इस इमेज में। तो देखिए आप, अब इसकी में हमें क्या प्रोग्राम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब भी आप इस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपने जेड की पोजीशन करवा दी थी यहाँ पे, और एक्स की पोजीशन मशीन आपकी यहाँ पे खड़ी थी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपके पास कौन से पॉइंट है, आपके पास ये वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट कैसे है आपके पास, आपके पास कितना है एक्स का डिस्टेंस 79, आप सिर्फ 1 mm के डिस्टेंस लेंगे, 80 से आपने कितना डिस्टेंस लिया 1 mm का,
ठीक है, 1 mm डाउन पे नीचे 0.5 का चैम्फर लगाऊंगा दोस्तों। मैं 0.5 का चैम्फर, 0.5 × 45 का चैम्फर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 80 का डिस्टेंस है हमारा, ये 80 का, इसमें से अगर 0.5 का चैम्फर है तो जेड में एक्स में कितना हो जाएगा आपको पता है, एक एम एम हो जाएगा क्योंकि डबल होता है 0.5 का, तो ये 79 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। इस पॉइंट पे हमें 79 मेंटेन करनी है। जेड की वैल्यू दोस्तों, यहाँ पे जेड की वैल्यू मेरे को पता ही है कि यहाँ पे कितनी है, 20 तो ये है और 3 इंसर्ट का डाया है जो रहेगा वो कितना है, यहाँ पे 23 है जेड की वैल्यू। अब जेड की वैल्यू मेरे को इसकी निकालनी है, तो इसकी जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसकी जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 80.5 जो इस पर हमने मशीन को खड़ा किया हुआ है, माइनस के 79.5, 1.5 डिवाइड बाई 2 तो 0.75 आ गया। तो इस वाली वैल्यू में प्लस के 0.75 कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से इस साइड में है, 0.75 प्लस कर देंगे तो ये 22.25 वैल्यू आ जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस डाया में से नीचे वाले डाया को माइनस किया है और डिवाइडेड बाई 2 किया है, क्योंकि जेड में हमेशा हम सिंगल लेते हैं और एक्स में हमेशा हम डबल लेते हैं। अब ये आप कहेंगे कि 0.75 वैल्यू क्यों आई जब हम 0.5 का चैम्फर लगा रहे हैं, ये इस वजह से आई क्योंकि हमने मशीन को 80.5 पे ऊपर रोक रखा है। अगर हम 80 पे मशीन को एग्जैक्ट रोकते तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 0.5 ही आती, क्योंकि ये 80 माइनस के 79 हो जाता तो ये 1/2 ये 0.5 ही आती। अगर आप इसको 81 पे मशीन को रोकोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 mm वैल्यू आएगी 0.75 की जगह पे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं दोबारा से इस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊँगा थोड़ी से बेटर अंडरस्टैंडिंग में, ताकि आप इसको ज़्यादा इजीली तरीके से समझ पाएँ। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है इसमें, अब जेड की वैल्यू जो हमारी ये निकली है फार्मूले से, ये वैल्यू इससे इस लाइन से पहले डालनी है। क्यों क्यों डालनी है, क्योंकि हमारा सबसे पहले मशीन ए पॉइंट पे ही आएगी। अब यहाँ से हमने एक्स की 80.5 और जेड की 1.0 वैल्यू तो दे दी थी, लेकिन अब ये मशीन को यहाँ पे हवा में लेके आएंगे ऊपर, जो वैल्यू ये रहेगी 22.25, उसके बाद हमारी ये वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद एक्स में यहाँ से वैल्यू क्या है, यहाँ से काटता हुआ डायरेक्ट 60 में नीचे आएगा, यहाँ से काटता हुआ ये कितने पे जाएगा, जेड माइनस के 30 पे जाएगा। उसके बाद ये एक्स वही 79 दोस्तों जो हमने यहाँ पे हमने कहा था कि 0.5 का चैम्फर लगाएंगे तो ये पॉइंट हम 79, ये बी में भी और ये सी में भी, एफ में भी, ये जी में भी, जे में भी और के में भी, इन सब में ये वैल्यू हम सेम रखते हैं दोस्तों 79, क्योंकि ये यहाँ पे भी सेम है, हम इनमें चैम्फर भी सेम ही लगाएंगे, 0.5 का लगाना है तो हम एक्स की वैल्यू हमेशा सेम रखेंगे इस केस में। तो उसके बाद दोस्तों दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, 80.5 ले लिए हमने ऊपर हवा में लेके गए, और जेड 30 था तो 0.75 कितना हो गया, तो 30.75 माइनस में, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू कैसे निकली ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि 80.5 माइनस के 79 इजगल टू 1.2 और माइनस के 30 माइनस के 0.75, ये माइनस क्यों किया है, यहाँ पे तो हमने प्लस किया था क्योंकि ये इस साइड में हमें मशीन को पोजीशन देनी थी, अब इससे इस साइड में मशीन को पोजीशन देनी है तो इस साइड ये माइनस करेंगे हम इसलिए। अब यहाँ पे वही वैल्यू एफ का पॉइंट लेंगे, एफ का पॉइंट लेने के बाद दोस्तों हम इसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई के पॉइंट के लिए ई के पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान मेथड है, जैसे मैंने बताया ये वैसे ही करना है दोस्तों। फिर एक्स में यहाँ से हम यहाँ से 60 पे जाएंगे, फिर यहाँ से जेड माइनस के 50 पे जाएंगे, फिर यहाँ से वही 79 ऊपर जाएंगे, 79 ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से वही कट लगाएंगे, और यहाँ पे कट लगाने के बाद दोस्तों फिर हम वही वैल्यू, आई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, आई की वैल्यू फिर हम बाद में कैलकुलेट करके डालेंगे, पहले जे की वैल्यू लिख लेते हैं प्रोग्राम में, और फिर इसके ऊपर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे 80.5 माइनस के 79 0.75 आ जाएगा दोस्तों डिवाइड बाई 2 करने से, और इनके जो डिफरेंस 0.75 को
प्लस के 0.75, तो 62.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी जो हम यहाँ पे डाल देंगे जेड वंश के 62.25। अब इसके बाद दोस्तों x60 यहाँ से फिर कटिंग करते हुए x60 में जाएंगे, यहाँ से फिर माइनस के 70, यहाँ से फिर वही वही वैल्यू 79, और लास्ट में क्या आएगा माइनस के 70.75 जो जेड में वैल्यू रहेगी, और एक्स में वही 80.5 वैल्यू रहेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्स में ऊपर उठा लेंगे, होम पोजिशन करवाएंगे, और होम पोजिशन करवा के M05, M09, स्पिंडल स्ट्रोक, कूलेंट ऑफ और ऑप्शनल स्ट्रोक, और M30, M30 साइकिल रोटेशन के लिए यूज करते हैं, तो ये यूज कर लेंगे। दोस्तों इस टाइप से हम ग्रोविंग का प्रोग्राम बनाते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैंने सिर्फ 4D का केस बताया है आपको, आपको IID के केस में भी ऐसे ही चैम्फर लगाना है। अगर आपको IID के केस में या OD के केस में कभी भी कुछ चैम्फर लगाने में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि आप बेटर से बेटर सीख पाएँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।